गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ ड्यूटी। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड। नहीं तो रास्ता है ज़्यादा वास्ते दिल्ली का से। देखो कुछ तो दोस्तों मैं पपीता खा रही हूँ, पपीता खा रही हूँ और पीछे मैं मनीक गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सब मिलके जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं फिर एक पार्टी, ये देखिए कायगर में है। हमें जो सुबह यहाँ से 8:30 को निकलता है, 9:15 को पहुँचना पड़ता है वहाँ पे। तो सुबह नाश्ता किया था लेकिन भी पपाया खाने को मन कर रहा था, तो खा रहा है। और भी लड़का है क्या? और भी लड़का पहुंच गया यहाँ पे, हारमोटी पहुंच गया। कितना टाइम को पहुंचे जैसे लग रहा है ड्राइवर साहब? हाँ मैंने कुछ बोला गाना गा दो। आगे जा रहा है ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला, मतलब हम ग्रीन क्यों बोल रहा है बोलने से। आप देखिए गज्जी लोग कितना सुंदर ग्रीन होके बैठा हुआ। तो पहले से मेरे दिल में वही सोच रहा था कि बहुत ग्रीन ग्रीन है, कितना अच्छा है, मतलब वही सोच के बैठा था। तो इसके लिए मतलब ग्रीन ग्रीन बोल के निकल गया। मार्केट का समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, एकदम क्राउड यहाँ पे होता है। वो कब होता है वैसे? संडे ना, संडे को हर मोटी मार्केट होता है, सब यहीं से आके ले जाता है। होल सेलर लोग यहीं पे रखते हैं ना। ज़्यादा भीड़ हो गया था, बैठने का भी जगह नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच गए अरुणाचल। तो यहाँ पे भीड़ भाड़, यहाँ पे ट्रैफिक क्यों हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है चेकिंग। जो नॉन ट्रैवल लोग हैं वो अभी अपना पास दिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हम कितना काला हो गया, क्योंकि कल इतना ज़्यादा धूप में रहा है, इतना ज़्यादा काम किया, तो इसके लिए मैं काला हो गई हूँ। अलग से काला हो गया। आपको तो अभी फोटो में तो बहुत क्लियर वो दिख रहा होगा वाइट वीडियो में, लेकिन ऐसे बात नहीं, मैं काली हो गई हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बागे तीन नाली। तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे। तो फाइनली ये रहा हम लोगों का वर्क प्लेस, पहुंच गया है हम लोग यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। मोबाइल सुबह पूरा कैमरा हर में लेके घूम रहे हो। अबे सर लाइट नहीं है। हाँ पंचिंग नहीं हो रहा है ना। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। जो हम लोग से पहले निकला था वो वहाँ पे अभी तक निकला ही नहीं। सॉरी पहुँच गया। तो फ्रेंड्स अभी है हम लोगों का मीटिंग होगा, तो अब मैं फटाफट से तैयारी रेडी करूँगी, उसके बाद चलते हैं मीटिंग। तो फ्रेंड्स मेरा मीटिंग हो गया, अभी मैं काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे डायरी लेके रखी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइपिंग करना है। तो फ्रेंड्स मैं लंच करके बैंक निकल गई थी, बैंक पे आ गया। अभी मैं पार्किंग कर रही हूँ अपने स्कूटी, और फाइल भी निकल लिया है। लंच भी मैंने कर लिया है, आप लोगों को नहीं दिखाया। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 को मैं बैंक पहुंच गई हूँ। अभी मैं जाती हूँ पीछे वाले रास्ते से, तो बैंक पहुंच के आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ बैंक पे। तो अभी कार लोन सेक्शन में आई हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का मैम नहीं है, वो छुट्टी पे है, तो मेरे दोस्त को मिल लिया। ये भी बैंक पे काम करती है। अभी हमारा 9.2 हो गया हिसाब से, कुछ थोड़ा सा फाइल है। तो मैं एक सिविल्स चेक करने दे रही थी, तो उसी को वेट कर रही हूँ। ये करने के बाद फाइल तो सबमिट हो गया है, एक्सचेंज सेंक्शन भी हो गया है। तो ये करने के बाद मैं चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो बैंक का काम होने के बाद मैं आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आई लैशेस इतना ज़्यादा वाइट हो रखा है धूल की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बैंक से। तो 2:30 को गया था, 4:44 को यहाँ पे अभी जस्ट पहुँचा है। तो मेरा आग आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूल है, मतलब लेकी तो नहार लगन बहुत रास्ता ख़राब है और बहुत ज़्यादा धूल है। तो बैंक गई थी, तो बैंक पे भी मैंने 2-3 फाइल दे दिया है, शायद लोन प्रोसेस कर रहे हैं होंगे उन लोग भी। तो फिर अभी हम लोगों का छुट्टी जो क्लोजिंग समय है, टाइम है, वो है 5:30। शायद मुझे 5:30 से ज़्यादा लग सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना है मुझे यहाँ पे। और सुबह आधा काम करके गई थी, फिर वहाँ पे भी जाना था, बैंक पे जाना था, तो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसको आधे पे ही छोड़ के चली गई। तो मैं आप लोगों को इसको बना के ही मिलूँगी फिर जब मैं घर जाऊँगी। तो पहले काम करते हैं। क्या चल रहा है? तुम आजकल बहुत पतली हो गया बोलते। तो मेरा बहन है, तो हम उसको बोल रहे हैं वो पतली हो गया आजकल, जिम सिम जाता है कि हमको पूछ रहे हैं उसको। तो अभी हो गया है 5:30 हो गया। तो अभी हम लोग को छुट्टी का समय है, लेकिन भी अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स है यहाँ पे ऑलरेडी। तो डिलीवरी ले रहा था, वहाँ पे भी है, वहाँ पे कस्टमर लॉन्च है, वहाँ पे है, इसके लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, तो थोड़ा बाद में निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी जा रहे हैं, बाय बाय। तो बस सब चला गया है। रो कत गल ये আছে না ও মা আহতে এফালে জোয়া দিছো দেই कोट फले यार देखिसले ना पागल कोट गइसे बा गाड़ी तो कोट कस्टमर भर के आइसले ना गाय खान तो मुख सुबह गाय साबी रे बोली कल लटका लगा एकदम दिक्कत कर आज आनिसे अनसन घुमासे गाय आनिबो लागिसले ना खाली आनिबे हां नहीं नहीं है ना ये तो भी तरफ दिसे ना किने से प्रति कल लने बे हां एंड कभी मैं वेट कर रही हूं। तो अभी वो आ गए हैं तेल का पेट्रोल भर के, तो मैं वेट कर रही हूं यहां पे मेरे हस्बैंड को। क्या बिहू बिहू ठीक ठाक खाया था क्या? कहाँ में? ओ हाँ हाँ उसको हम देखे भेजा। ओ ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा हो गया एकदम, मैंने पहले लंच करने वाला भी नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि इतना ज्यादा बिजी था ना, इसके लिए मैं दिखा ही नहीं पाई। और मैं बैंक भी गया था और फिर लंच बैंक से मैं इतना देर से आ गया था ना, बहुत थक गया। 4:44 को वापस आया मैं, और फिर अभी मैं जा रही हूँ घर, रेस्ट करूँगी जाके। फिर जाके तो रेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट जाके मैं खाना सब्जी पहले पका के उसके बाद सबको खिला के उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। कर लीजिए। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। अभी मैं ऑन द वे हूँ, ये अरुणाचल है, बागी तिनाली क्रॉस हो गया। गाइस मेरे हस्बैंड बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा सब्जी खाना सब्जी टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, तो हम इसको उसके लिए गाली दे रहे हैं जो खाना सब्जी बनाता है ना। तो फ्रेंड्स उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको दिल से बना के देता है। और ऊपर से हम अभी ड्यूटी जा रहा है, फिर घर का भी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी तो थक जाते है ना। तो हमेशा टेस्टी से भी तो कैसे बनाएगा खाना सब्जी। ऑब्वियसली वो जैसे काम कर रहा है उससे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। जो गर्ल्स है, जो मतलब लड़की लोग है, वो समझ सकता है घर का काम, खाना सब्जी, थाली बर्तन, झाड़ू पोछा मारते मारते कितना तकलीफ होता है हम लोग को, और कितना ज्यादा उसमें भी टाइम चला जाता है, कितना शरीर दर्द होता है। बस घर का काम को दिखाई नहीं मिलता है, इतना काम किया। लेकिन ना कभी कभार दिन भर भी समय नहीं मिलता है बैठने के लिए, भी इतना काम करना पड़ता है। उसके बाद दिल से थक के भी खाना सब्जी बना दो, उसमें भी कंप्लेन, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो टिफिन तो आप लोग खुद सोच के देखिए, हम इतना सुबह उठ के पूरा उठ के नहा धो के इतना अच्छे से काम वाम करने के बाद टिफिन नाश्ता बना दिया, तो टिफिन को टेस्ट नहीं है बोलता है। अरे ओब्वियसली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है ना, थोड़ा सा नमक गड़बड़ हो जाने से भी तो हाँ ठीक, हाँ तुम्हारा तो तब ऐसे होने से हम भी तो खुशी होगा। ओब्वियसली आप लोग भी बताइए, आप लोग का भी फैमिली है, आप लोग का भी हस्बैंड है, आप लोग भी तो खुशी होगा ना, तब नेक्स्ट दिन भी बनाने मन होगा। हर दिन का वही टेस्ट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे उनसे कौन गुस्सा नहीं होगा। अभी पहुंच गया हम लोग, क्या है इसका जगह, गुमतो गेट पहुंचने वाला है। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं घर पे। बहुत ज़्यादा थक गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद तो फ्रेश अप होगा, उसके बाद जाके खाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, मतलब ऑलरेडी दाल जो है मम्मी ने बना के रख दिया था, तो ये दाल होगा। तो खाना बाहर में बिठा दिया, तो अभी मैं भाजी के लिए और बंदा गोभी काट रही हूँ। इसको भाजी बनाएंगे और एक चटनी बनाएंगे, टोमेटो चटनी। आप देख सकते हैं मैं पूरा एकदम नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ। अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है नहा के, और फेस लोग भी फ्रेश लग रहा है। हम लोग देख लीजिए थोड़ा वाइट लग रहा होगा। आज का धूप, इतना धूप और धूल था ना, परेशान हो गया मैं। अभी मैं पकाने के लिए रेडी। पहले यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज और सूखा वाला मिर्चा डाल दिया था, उसके बाद हल्दी डालूंगी यहाँ पे। तो मैं घर में जा रही हूँ हल्दी, एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, अपना बागान का हल्दी है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ इसमें। खाना ये है खाना, और मैं जा रही हूँ अभी धनिया लेना चटनी के लिए। गाइस देखो मकई, धनिया ले लूँगी मैं यहाँ से। धनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गई है, फूल सूल पूरा निकल गया है, फिर भी मैं इसको डायरेक्ट रूट से ही उखाड़ के ले जा रही हूँ, क्योंकि इसमें है ही नहीं और कुछ खाने को। ऐसे ले जा रही हूँ। ये है आपका क्या बीन्स, और ये जीरा, और ये मक्कई। तो फ्रेंड्स अभी मेरा हो गया है खाना, सब्जी खा के खिला के। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं आज। तो गुड नाइट सभी को, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।